नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई। वैसे तो हालांकि आप सब बोलोगे हमें तो इन चीजों का पता ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मेरे पास भी ऐसे महीने में दो चार ऐसे केस आ जाते हैं कि सर मेरे पास फलाने देश से मेरे पास ये ऑफर आया है, एयरपोर्ट पे सामान आ रहा है, या फिर फलानी डिमकी वो कोरियर वाले ने फोन किया कि इतने पैसे देने हैं टैक्स के मामले में। जी हाँ, मैं बता दूं, बम्बई एयरपोर्ट से बात बताऊं। बम्बई एयरपोर्ट की अभी लेटेस्ट ये न्यूज है, पल्लवी नाम की लड़की ने फोन करके अकाउंट में 55,000 रुपए ले लिए। जी हाँ, इसका डिटेल से हम बात करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। एक हरियाणा के बंदे ने यूएसए के लड़की के अकाउंट में 55,000 रुपए डाल दिए। क्यों डाल दिए भाई, क्या ऐसी नौबत आ गई थी? लेकिन लालच है ना, ये बड़ा हराम टाइप का होता है, क्योंकि 55 के बदले उसको लाखों की आस होती है कि भी लाखों आएंगे, उस चक्कर में लोग दे देते हैं। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे, वीडियो पूरा देखिए, लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये सोशल मीडिया का जमाना है ना, सोशल मीडिया में लोगों को आराम से ठगा जा सकता है। हाँ, बस थोड़ा बहुत उनको एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। अपनी जगह 30 मार्क का है, मानते हैं इस बात को, लेकिन वो अपने से डबल 30 मार्क का बनके यानी 60 मार्क का हो जाते हैं एक तरह से, समझ गए, फिर आराम से ढक लेते हैं। डिटेल से बात करेंगे, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मैं बता दूं साथियों, आपको पता है इस टाइम जैसे जैसे सोशल मीडिया का जमाना बढ़ रहा है, साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और पुलिस के लिए भी चुनौती के तौर पे सामने आता है भाई। कि बता दूं मैं, इतना आसान नहीं होता साइबर क्राइम को पुलिस द्वारा सोल्व करना, केस को मर्डर हो जाता है पुलिस सोल्व कर लेती है, लेकिन साइबर क्राइम वाला सिस्टम ही अलग होता है, पता ही नहीं लगता। एक बता दूं, एक युवती ने सोशल साइट के ऊपर अपने को यूएसए की लड़की बता दिया। जी हाँ, और पलवल हरियाणा का एक बंदा था, उसने बोला मैं भारत आना चाहती हूँ, और उसके नाम से उससे 55,000 रुपए ठग लिए। अब ठगा कैसे, बंदे ने पुलिस को शिकायत दी, पुलिस ने जांच शुरू की, तो उसने बताया कि महिला ठग ने पीड़िता को दिल्ली एयरपोर्ट के बजाय बॉम्बे एयरपोर्ट पर आने की बात कहकर अपने अकाउंट में पैसे डलवा लिए थे। जी हाँ, पीड़ित को फिर भी बंदे को समझ में नहीं आया कि यार दिल्ली आने वाली थी, बॉम्बे के अकाउंट से पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं, और वहीं की कोई पल्लवी नाम की लड़की ने अपने अकाउंट में पैसे मंगा लिए। फिर उसने बंदे ने शिकायत में अपनी बयान दिया कि एक सप्ताह से उसकी सोशल साइट के ऊपर, जी हाँ, कोई यूएसए रहने वाली लड़की से सही ना नाम बताया, हालांकि सब काल्पनिक होता है, कोई अस्थाई नहीं होता, सब कुछ फोटो वगैरह फेक होता है सबका सब। एक दोस्त बनी थी, उसने चैट के जरिए बात करने लग गई, वो उसने एक सप्ताह के लिए इंडिया आने की बात कही, लेकिन उसने बताया कि मैं इंडिया में किसी को जानती नहीं हूँ, इसलिए वहां आकर इंडिया का सिम लेकर आपसे फोन पे बात करूंगी। तो बंदे ने क्या किया, ठीक है हामी भर दी कि ठीक है आप आ जाओ, और 27 जनवरी को अगर दिल्ली के बजाय बॉम्बे एयरपोर्ट से फोन आता है लड़के के पास में। जी हाँ, 27 जनवरी को पल्लवी नाम की लड़की का लड़के के पास में फोन आता है कि सेना ने तुम्हारी दोस्त है जो वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे आ गई है, उसके पास भारी सामान है। जी हाँ, जिसका टैक्स है 55,500 रुपए उसका टैक्स बनता है, जो आप ये टैक्स आप हमें दोगे तभी हम इस सामान को छोड़ पाएंगे। बंदे को तो पता है, पहले से बोला गया था ना तेरे लिए ज्यादा सामान लेके आ रही हूँ। आगे उस लड़की ने बताया कि 55,500 रुपए आपको जमा करवाने होंगे, जो आपको दो दिन में वापस भी मिल जाएंगे। यहाँ आके बंदा कच्चा खा जाता है, ठीक है। पीड़िता ने फिर उसके बताए गए अकाउंट में 55,500 रुपए जमा करवा दिए। जी हाँ, उसके बाद में क्या था, बकरा मिल जाता है शिकारी को, तो शिकार और करने की सोचेंगे ना। दूसरे दिन फिर उसके पास फोन आ जाता है, सेना के दो सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। जी हाँ, दो सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे, उसका खर्चा 1,67,000 रुपए बताया गया। जी हाँ, जो आपको वापस मिल जाएगा पैसा, सिर्फ एक बार डिपॉजिट दे दो, 55,500 पहले दे दिए, 1,67,000 यानी 3 गुना रकम बढ़ा दी गई। पल्लवी के पास सुनकर ओम शिव ने, जो बंदा था उसने मना कर दिया, और बदले में अपने जो 55,500 रुपए दिए गए थे वो भी वापस मांगने लगा, तो युवती ने फोन काट दिया, फोन स्विच ऑफ कर दिया। जी हाँ, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, बाकी सब फेक आईडी से, फेक नंबर, सब कुछ फेक होता है। पुलिस थोड़े दिन बाद में ठंडे बस्ते में डाल देगी, मेट्रो हो जाएगा क्लोज। तो कहने का मतलब इसमें सारा इसमें ये निकलता है, ऐसी किसी सोशल साइट से आपके पास, अरे यार आप सोचिए ना, अपने रिश्तेदार अपने को चला के फोन नहीं करते, अनजान लड़की आपसे चैट कर रही है, फोन कर रही है, मैं आ रही हूँ आपसे सामान लेके आ रही, क्या मतलब होता है? तो बस यही होने वाला है, आप सतर्क रहिए तो आप बच जाओगे, वरना तो इस तरह आपके भी साथ हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।